कमी से पंजाब में भी अब हाहाकार मचना शुरू हो गया है। पंजाब के अमृतसर स्थित नीलकंठ अस्पताल में शनिवार सुबह ऑक्सीजन की कमी से 6 लोगों के जीवन बंद हो गए हमेशा के लिए। इसके बाद मृतकों के परिजन मौके पर पहुंचे और उन्होंने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर भड़ास निकाला। फिलहाल शवों को बाहर निकाला गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। नोडल ऑफिसर इनफॉर्म किया जे ऑक्सीजन सप्लायर 2-3 अमृतसर के है अजे भी जाके एग्जामिन कर लो उत्थे पुलिस की टीम बैठी हुई है एक भी सिलेंडर नहीं दे रहे हो प्राइवेट हॉस्पिटल आप प्रायोरिटी कोई नहीं देनी सब तो पहला गुरु नानक देव हॉस्पिटल पूरा किया जाएगा गुरु नानक बंदा भेजा 4 बजे ऑक्सीजन लैन वास्ते 5 सिलेंडर लैके आया हूँ सर हूँ सिलेंडर आए ने सर 5 सिलेंडर सर मिनिमम रिक्वायरमेंट साड़ी 50 सिलेंडर की हैगी है असं बार बार रिक्वेस्ट करते पे जिहड़े हॉस्पिटलों को कोविड पेशेंट की फैसिलिटी नहीं हैगी 25-25 सिलेंडर रख के बैठे हुए हैं मेल भी की सपोर्ट की जाए जो सप्लायर है पुराने पुलिस की टीम बैठी है ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦ
किसी ने सपोर्ट कोई नहीं की। इवन कि प्रशासन वाले ये भी कह रहे हैं कि डीसी साहब कह रहे हैं।